चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं भाई। नींबू में घुलनशील विटामिन कौन सी है? नींबू में जो, नींबू मतलब लेमन, लेमन में जो क्या है घुलनशील विटामिन? घुलनशील विटामिन क्या होती है? जो सॉल्युबल हो, जो क्या हो? सॉल्युबल हो, ठीक है। ऐसी जो विटामिन है वो कौन सी है? ऐसी जो विटामिन है वो कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। और डेली की तरह अपन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उस पर अपन जो है बॉक्स बना लेंगे ताकि अपन को फिगर आउट हो सके कि यस ये क्वेश्चन जो है इसमें आया था। चलिए ऐसे करके यूपी 2018, यूपी 2018 के पेपर में आया है ये, यूपी 2018, ये भी यूपी 2015, यूपी 2015, ये भी यूपी 2015। चलिए तो ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन इसी स्लाइड। नींबू में घुलनशील विटामिन कौन सी है? लेमन में जो विटामिन कौन सी होती है? तो विटामिन सी होती है, पता ही होगा सभी को, खट्टा सा होता है लेमन। और विटामिन सी जो रहती है संतरे में, नींबू में, और भी खट्टे खट्टे जितने भी फल हैं उनमें सभी में, आंवले में आंवला जो है खट्टा होता है हल्का सा। अचार अगर अपन खाएंगे तो उसमें विटामिन सी है। ऑरेंज अगर लेंगे, अगर किसी ने मौसम भी खाया हो तो मौसम में भी क्या अवेलेबल होता है? विटामिन सी। H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? एड्स, देखो एड्स जो फैलता है वो HIV वायरस से फैलता है। मलेरिया जो फैलता है, मलेरिया का अलग एक वायरस रहता है। मलेरिया जो है एक बुखार का टाइप है कि अपन को मलेरिया फीवर हो गया है, तो ये क्या है? मॉस्किटोस से फैलते हैं, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं है स्वाइन फ्लू। देखो स्वाइन फ्लू जो है H1N1 वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। HIV संबंधित है, HIV किससे संबंधित है? तो अभी बताया था मैंने एड्स से, HIV जो है एड्स से संबंधित है। मलेरिया किससे संबंधित होगा? मच्छर से। टीवी किससे संबंधित होगा? ट्यूबर क्लोसिस से। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी एक बीमारी होती है जो कि क्योर नहीं है, इसका कुछ भी क्योर नहीं है। तो ये जो है यूपी 2015 में आया है, NMMS का जो पेपर है। किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंगा मतलब होता है गोइटर। तो बहुत अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना, इस पर आप स्टार लगा लेना। आयोडीन 2015 में जो आया है, यूपी 2015। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है? वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन बी। विटामिन बी जो है वाटर में सॉल्यूबल है, ठीक है। और AEDA, तो अभी अपन इसमें एक ट्रिक याद करेंगे जिससे आपको क्या है हमेशा के लिए याद रहेगा। वाटर सॉल्यूबल विटामिन एंड वाटर इनसॉल्यूबल विटामिन। देखो ये क्या पूछ रहा है अपन को? वाटर सॉल्यूबल विटामिन पूछा है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो पहले ये याद कर लेते हैं कि वाटर में इनसॉल्यूबल कौन कौन से हैं। चलिए देखो, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, और कौन कौन से घुलनशील नहीं है? के ई डी ए, कीड़ा। मैंने बचपन में ऐसे याद किया था, कीड़ा। कीड़ा जो है जल में घुलता नहीं है और मतलब सॉल्यूबल नहीं है। तो जो KEDA, ये चारों जो विटामिन हैं वो क्या है अपने? जल में घुलनशील नहीं है, ये जो घुलते नहीं है, और बाकी के बच्चे कुछ सारे घुल जाएंगे, ठीक है। तो KEDA, डी को हटा दो, ए को हटा दो, ई को हटा दो, बचा क्या? बी बचा। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? एनीमिया जो है किसकी वजह से होता है? लोहे की कमी की वजह से, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी के कारण एनीमिया हो जाता है। फिर अपन क्या खिलाते हैं उस इंसान को, एनीमिया वाले को, इसमें जो खून की कमी हो गई है मतलब आयरन की कमी हो गई है, तो उसे खिलाएंगे आयरन फॉलिकल्स टैबलेट एंड पोमोग्रेनेट, मतलब जो अनार होता है अनार का जूस, या फिर अनार की जो भी चीजें हैं, अनार ही अनार दिया जाता है उसको, लोहे की कमी। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? दूध में क्या नहीं पाया जाता है? यूपी 2013 का जो सवाल है ये, देखो दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता है। तो देखो दूध में जो विटामिन होती है प्रॉपर अपनी, दूध में फैट होता है, जो मलाई मलाई होती है ना ऊपर ऊपर एकदम चिकनी चिकनी,
जब आप ऐसे दूध को गर्म सटर्म करेंगे तो ऊपर क्या है, मिल्क को जब आप से ठंडा करते नहीं, एक बाउल से दूसरे बाउल में करते हैं, फिर दूसरे बाउल से फिर थर्ड वाले बाउल में करते हैं छोटे बच्चों के लिए, तो उसमें क्या है ऊपर ऊपर एक लेयर बन जाती है कि झाग झाग से आ जाते हैं, राइट। झाग झाग से क्या है, वो फैट है, ऊपर ऊपर क्या है उसका, फैट है। अगर अपन जब बॉईल करा हुआ मिल्क थोड़ी देर के लिए रख देंगे 15 to 20 मिनट, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है प्रॉपर। लेयर क्या होता है, वो मलाई होती है, मलाई मतलब फैट होता है। कार्बोहाइड्रेट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मिल्क, बट विटामिन सी, विटामिन सी तो नींबू में होता है। दूध में अगर विटामिन सी प्रेजेंट होगा तो दूध फट नहीं जाएगा, राइट और नॉट। अगर आप दही का छोटा सा एक स्पून या 2 स्पून दही को दूध में डाल दोगे तो वो दूध खट्टा सा नहीं हो जाएगा, मतलब विटामिन सी जो है, विटामिन सी जो है दूध में पाया नहीं जाएगा, और सारी विटामिन पाई जाएंगी, दूध में जो है विटामिन सी नहीं पाया जाएगा क्योंकि वो खट्टा होता है। और अगर आप दूध में खट्टी चीज डाल दोगे तो वो और ज्यादा खट्टा हो जाएगा और वो दूध खराब हो जाएगा, हो सकता है आपको वॉमिटिंग भी हो जाए। यूपी 2013 का क्वेश्चन देखते हैं अगेन। देखो भाई, हेल्थ वाले चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, मतलब अगर आपको एड्स हो गया या नहीं हो गया है तो ऐसी कौन सी टेस्ट है, ऐसा कौन सा परीक्षण, मतलब ऐसी कौन सी जांच होती है, डॉक्टर लिखता है कि आप ये करा लीजिए तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एड्स हो गया या नहीं हो गया है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए होता है, बुखार के लिए होता है, टाइफाइड बुखार के लिए होता है विडाल टेस्ट, या फिर लोग बहुत सारे बोलते हैं वाइडल टेस्ट, विडाल होता है पर वो WIDAL विडाल टेस्ट लिखते हैं। बुखार जब जाता ही नहीं है, कम से कम 5-6 दिन हो गए बुखार बुखार बहुत ज्यादा बुखार है, तो डॉक्टर लिख देता है पहले खून की जांच, फिर यूरिन वाली जांच के क्या दिक्कत है, कोई किडनी इशू तो नहीं है जिससे बुखार आ रहा है, या फिर ब्लड का इशू तो नहीं है, फिर लिखेंगे नॉर्मल मलेरिया की जांच। मलेरिया की जांच के बाद लिखते हैं डायरेक्ट वाइडल विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट मतलब टाइफाइड की जांच, ये बड़ी जांच होती है। एक्सरे हड्डी वड्डी टूटने पे होती है, या फिर कहीं आपके दर्द हो रहा है, आपके जो है कमर में, दर्द हो रहा है इतना ज्यादा, इसलिए वो लोग क्या लिखते हैं, एक्सरे लिखते हैं कि भैया कहीं से आपकी जो है हल्की फल्की बोन जो है टूट तो नहीं गई है। एलिसा, ELISA, एलिसा, एलिसा जो जांच है वो होती है एड्स के लिए, और ECG जांच होती है वो होती है अपनी हर्ट के लिए। हर्ट के लिए ऐसा देखा हुआ ना आपने उन्हें, ऐसे डूम 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 वाली जो जांच होती है, ऐसी ऐसी लाइन 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 बनी होती है, फिर नीचे लाइन, फिर ऊपर लाइन, फिर नीचे लाइन, फिर ऊपर लाइन, ऐसी जो लाइन्स बनी होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो गया है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। भाई जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बैच अपना बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बैच अपना बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, 9th का भी, 11th का भी और 6th का भी, ठीक है, 6th का, 9th का, 11th का। मलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है, मतलब जो मलेरिया की जो डिसीज है वो कौन सी मच्छर से फैलेगी, आपको उस मच्छर का नाम बताना है। हमें तो अपना ही नाम याद नहीं रहता, हम मच्छर का कैसे याद रखेंगे, ये रखना पड़ेगा। देखो ये जो चारों क्वेश्चन है वो यूपी 2012 के सवाल हैं, मलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है, नर क्यूल एक्स मतलब मेल, नर मतलब होता है मेल, क्यूल एक्स, नर एनोफिलीज मतलब मेल एनोफिलीज, मादा क्यूल एक्स मतलब फीमेल, फीमेल क्यूल एक्स, मादा एनोफिलीज मतलब मादा मतलब फीमेल एनोफिलीज। तो बताना है आपको मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज से फैलता है, क्योंकि खून पीने का काम जो है फीमेल्स का ज्यादा रहता है, खून पीने का काम जो है फीमेल्स का ज्यादा रहता है, इसलिए जो है सबसे ज्यादा जो आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा शिकार लॉयन करती है, लॉयन करता है या लॉयनेस करती है, शिकार मतलब किसी को झपटा मारना या फिर शिकार करना, उस पर अटैक करना, उसको अपना भोजन बनाना, सीधी सीधी बात ही है। तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि लॉयन जो है धारता है, लॉयन से सब लोग डरते हैं, और लॉयनेस जो है शिकार करती है प्रॉपर। ऐसे ही मच्छर के केस में भी ऐसा ही होता है, जो मच्छरनी होती है मतलब मच्छर वाली जो फीमेल है
वही अपने को खाएगी या फिर वही डंक मारेगी या फिर वही ऐसे खा के फिर चले जाते हैं, और वो लोग अपने बॉडी में कुछ ना कुछ अपना लार्वा छोड़ जाते हैं, अपना लार्वा जो छोड़ जाते हैं मलेरिया उससे हो जाता है। मेल मच्छर आपको कभी नहीं काटता, मेल मच्छर बस ओनली हेल्प करते हैं प्रोडक्शन कराने में। एड्स सर्वप्रथम किस देश में संज्ञान में आया, मतलब एड्स का जो एड्स की जो बीमारी है सबसे पहले कहाँ पाई गई, सबसे पहले कहाँ पाई गई थी एड्स जैसी बीमारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, रूस में पाई गई या फ्रांस में पाई गई या अमेरिका में पाई गई या फिर रक्त, रक्त क्या पागल हुए क्या, रक्त तो ब्लड होता है, तो डी को तो हटा यहाँ से हटा, रूस फ्रांस अमेरिका, तो अमेरिका में पाई गई थी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 11, एड्स वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है, मतलब एड्स का जो वायरस है वो ह्यूमन की बॉडी में किस तरीके से पहुंचता है, खाना खाने से पहुंच जाएगा, चुंबन से पहुंच जाएगा, मतलब किस करने से पहुंच सकता है, अगर मैंने किसी को किस कर दिया तो मुझे एड्स हो सकता है क्या, पानी से फैल सकता है मतलब वाटर बॉर्न डिजीज है क्या, या फिर ब्लड से। बताइए 11 का जो आंसर जाएगा, देखो खाना अगर आप किसी के साथ खा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको एड्स हो जाएगा, पर आप किसी को किस कर रहे हो तो भी नहीं है कि आपको एड्स हो जाएगा, पानी पीने से नहीं हो सकता पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है, पीलिया का जो रोग है, पीलिया मतलब एक बुखार होता है, पीलिया बोलते तो नहीं है, पीलिया हो गया इसको बहुत ज्यादा, मतलब शरीर जो है आधा पीला पड़ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पीलिया रोग शरीर के किस भाग से होता है, गुर्दा मतलब किडनी से, आमाशय मतलब स्टमक से, इंटेस्टाइन से, फेफड़ा मतलब लंग्स से, यकृत मतलब लीवर, लिखा हुआ है साफ साफ। तो ये जो देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो यूपी 2012 में आ चुका है ऑलरेडी एक बार, हो सकता है अगेन लौट के आ जाए तुम्हारे पास। पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है, चलिए गुर्दे मतलब किडनी से मैं के लिख दिया है, आमाशय मतलब स्टमक, फेफड़ा मतलब लंग्स, यकृत मतलब लीवर, यकृत लीवर से होता है, ठीक है। हर्पीज रोग का संक्रमण किससे होता है, हर्पीज जो डिसीज है उसका संक्रमण किससे होता है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, या फिर निमेटोड से, विषाणु से, विषाणु से। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों में। किस विटामिन की, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है, मतलब बोल रहा है देखो यूपी 2009 में आया है थोड़ा देख के, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना मतलब ब्लड क्लॉटिंग किस चीज से कम हो जाती है, ब्लड की जो क्लॉटिंग है वो किस चीज से कम हो जाती है, अगर मैं कोई सा विटामिन कम कर दूं तो ब्लड क्लॉटिंग जो है कम हो जाएगी, विटामिन के की वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, अगर मैं विटामिन के को कम कर दूं अपनी बॉडी में से तो ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाएगी। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कभी मेरे यहाँ पे हाथ पर कट लग गया, मेरी बचपन में उंगली ये वाली पूरी कट गई थी, ये वाली उंगली जब कटी तो उसमें से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगा, और फिर थोड़ी देर बाद वो जो ब्लड था घी लगा दिया और उसके ऊपर से डॉक्टर पर ले गए थे, उसके बाद अभी फर्स्ट एड तो करना पड़ेगा ना, हेल्थ एंड हाइजीन में आप क्या सीखेंगे, फर्स्ट एड करना राइट और नॉट, फर्स्ट एड वाला करना। तो सबसे पहले मेरे ये जो हाथ की उंगली जो कट गई उसके बाद उसमें से ब्लड निकलने लगा, और मेरी मम्मा ने मतलब मेरी मदर ने फर्स्ट एड किया, सबसे पहले उसको आली से रैप किया और उसमें घी लगाया, थोड़ा सा टर्मरिक लगाया और ट्यूब लगाया जो भी उनको लगाना था, उसके बाद उन्होंने बाइंड अप किया क्योंकि डॉक्टर पे ले जाने में 10 मिनट तो लगता है कम से कम, 10 मिनट में कितना सारा खून बहेगा, फिर उन्होंने बोला कि ये खून रुक चुका है, फिर उन्होंने मुझे ओनली टैबलेट दी थी, वन डे में ठीक हो गया। तो इट्स कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, अगर ब्लड क्लॉटिंग वाला फैक्टर मेरी बॉडी में प्रेजेंट ना हो तो ये खून जो है बहता चला जाएगा, और इतने से ही कट से कम अगर 1 घंटा खून बहा
तो मुझे नहीं लगता कि इंसान जिंदा रह पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण होता है? क्वाशरकोर जो रोग है, मतलब जो बीमारी है क्वाशरकोर की, क्वाशरकोर अभी मैंने कल वाली उसमें बताया था, 11th की जो मेरी एमटीजी फिंगर टिप सॉल्यूशन चल रहा है उसमें मैंने ये क्वेश्चन सेम एज इट इज कराया था, यूपी 2009 में आया। देख रहे हो, बेसिक सवाल ही आते हैं, बेसिक सवाल ही, बेसिक क्वेश्चन ही आगे जाके 11th 12th में एक कंपटीशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो क्वाशरकोर डिसीज जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगर छोटे बच्चों को, 2 साल से छोटे बच्चों को अगर मैं प्रोटीन ना दूँ, प्रोटीन खाने के लिए ना दूँ, चाहे दवाई के फॉर्मेट में दूँ उन्हें या कैसी फॉर्मेट में दूँ, प्रोटीन नहीं देंगे तो उन्हें क्वाशरकोर बीमारी हो जाएगी। आई थिंक सो 15 मिनट हो गए होंगे अपनी क्लास को, 15 क्वेश्चन हो गए, 1 मिनट 1 क्वेश्चन है। बैच का नाम इसलिए हम लोगों ने मिनट बैच रखा। चलिए, सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है? देखो मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना एक ट्री है, उसके किस भाग से बनाई जाती है? बीज से, मतलब सीड से, उसकी पत्ती से, मतलब लीव से, उसकी छाल से, मतलब उसकी बार्क से, या फिर उसके फ्लावर से, कि बार्क से। सिंकोना की जो बाल है, बार्क है, सॉरी, सिंकोना प्लांट की जो छाल है उससे अपन मलेरिया की दवाइयाँ बना सकते हैं। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? देखिए ये जो क्वेश्चन आया 2010 में, वन मीटर क्वेश्चन कराने हैं आप लोगों को, पता है ना, 1 मिनट 1 क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है और मुझे भी उतने में ही सॉल्व कराना है। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्या बोल रहा है? मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? एस्पिरिन, देखो एस्पिरिन जो होती है वो दर्द वगैरह के लिए होती है, जैसे डिस्प्रिन। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन भी नहीं है। मार्फिन, मॉर्फिन भी, मॉर्फिन ज़्यादातर नशे वशे में यूज होती है, आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। क्लोरोक्विन जो है वो मलेरिया की परजीवी को नष्ट करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 2021 में आया है ये, वो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2021 यूपी में आया है, चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ, वाह, ये हिंदी का सवाल है या फिर साइंस का? चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ, समझ में आ गया ना? चिप्स बनाने वाला मतलब उसका ओनर, चिप्स की थैली मतलब आप जो खाते हैं, चिप्स के साथ मतलब जो चिप्स में मिला हुआ है। नाइट्रोजन भी भरते हैं, पता है सभी लोगों को, नाइट्रोजन जो पैकेट जो इतना फूला फूला आता नहीं है, फिर बाद में कहते हैं यार इतना फूला फूला लग रहा है, बट यार इसमें कुछ भी खाने के लिए नहीं है, आधा तो खा लिया, 4 चिप्स हैं, और अगर 10 वाला लेके आओगे तो और ज्यादा ही कम निकलता है उसमें। ऐसा लगता है यार अभी तो खोला था, फिर खत्म कैसे हो गया, थोड़ा तो रुकना चाहिए। नाइट्रोजन, चलो क्वेश्चन पकड़ते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नवत कौन सा गुण है? मतलब बोल रहा है नाइट्रोजन युक्त करने का, मतलब नाइट्रोजन भरने का जो प्रयोजन है उनकी किस किस गुण से रिलेट करती है? प्रतिऑक्सीकरण, प्रतिऑक्सी का कारक, मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सी कारक, रंग कारक, देखो रंग के लिए तो नहीं भरी जाएगी, सुगंध कारक, घर सुगंध कारक मतलब उसमें से कोई स्मेल तो अच्छी आएगी नहीं, सुगंध के लिए भी नहीं भरी जाएगी। अब प्री ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो है पॉलिथिन खोलने के बाद उसमें से भाप उड़ जाएगी, प्री ऑक्सीडेशन मतलब पॉलिथिन जब बंद है फिर भी उसमें ऑक्सीजन मच अमाउंट में प्रेजेंट है, फूला फूला है तभी तो लगता है, तो जब वो पिचक जाएगा, जैसे थोड़ी सी अगर सुई भी डाल दोगे ना उसमें हल्की सी भी, या फिर अपनी दांत से भी छोटा सा ऐसे छेद कर दिया, पूरी हवा उसके ऐसे मजाक में निकाल दी धीरे से, उसे आप 2-3 दिन बाद खाओगे तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप एकदम न्यू पैकेट खोलते नहीं एकदम अच्छे तरीके से, कुरकुरे खाने का मन कर। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है? रुक जाओ इसको ऊपर लेने दो, क्वेश्चन नंबर 19 20 दोनों बहुत अच्छे सवाल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ लो, क्या लिखा है?
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी जो है सबसे ज्यादा किस चीज में पाया जाता है? नींबू में, जो विटामिन सी होता है नींबू में, अंकुरित बीज में, लीवर में, या फिर चर्बी में? चर्बी मतलब मोटापा, जिसका पेट मोटा मोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 20, नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सर्वोत्तम स्रोत क्या है? यूपी 2010 में आया है। अंकुरित बीज, जैसे अपन चना मोठ वगैरह खाते नहीं है, चने मोठ और भी चीजें, अंकुरित स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं कुछ लोग, गेहूं वगैरह को भी स्प्राउट कर देते हैं, मेथी को स्प्राउट कर लेते हैं, मेरी मदर लेती है मेथी वगैरह, इतनी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, उनका पेन बहुत कम रहता है उससे, और मैं भी बहुत ज़्यादा खाती रहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तो क्या 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 ही खाती रहती हूँ, पतली सी रखी हूँ, बट जो स्प्राउट्स वगैरह हैं वो ले लेना चाहिए, अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में। अंकुरित बीज बहुत फास्ट एंड हेल्दी मील है ना, जल्दी बन जाता है 15-20 मिनट। लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी ज़्यादा होती है? लाइकिन एक तरीके का क्या है? छोटे 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 मच्छर होते हैं लाइकिन, और ज्यादा कुछ नहीं है, फंगस टाइप के रहते हैं, जो आपको नदी किनारे या फिर आप अगर 15-20 दिन के लिए कोई पानी इकट्ठा करके रख दो किसी जगह पर, तो वो छोटे छोटे मच्छर वहां पर भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, वहां पर भी अपना जगह बना लेंगे। शैवाल कवक, शैवाल जीवाणु, जीवाणु तो नहीं होते भाई, जीवाणु को तो हटाओ यहाँ से, जीवाणु को यहाँ से बैठा दो, शैवाल एंड कवक, फंगस एंड बैक्टीरिया। 21, पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है? सेम एज इट इज क्वेश्चन कल भी कराया था, जैसे मैंने बताया था, कोई भी ब्रांड का नेम नहीं ले रही मैं, जैसे अमूल का हो गया या फिर कोई भी ब्रांड है मदर डेयरी का हो गया, तो उसमें नीचे लिखा रहता है, एक बोतल से आती है ना 20-25 रुपए वाली टेट्रा पैक टाइप, तो उस पर लिखा रहता है, सबसे पहले तो वो मेडिसिन होता है, उसमें दूध तो कुछ नहीं होता, दवाइयाँ ही दवाइयाँ होती हैं, ऐसा लगता है दूध नहीं पी रहे, दवाइयाँ दवाइयों को घोल घोल के पी रहे हैं छोटे बच्चे वाला। तो पैकेट के दूध का संरक्षण किस हिसाब से? पैस्चराइजेशन, क्या होता है उसमें, कल मैंने क्वेश्चन समझाया था प्रॉपर। सबसे पहले उसे 70 डिग्री सेल्सियस पर, 5 5 मिनट तो ज्यादा हो गया, 2 मिनट के लिए है, 70 डिग्री सेल्सियस पर उस पूरे मिल्क को 2 मिनट के लिए उबाला जाएगा, बहुत हाई स्पीड पर, बहुत ज्यादा बॉयल हीट कर, 70 डिग्री बहुत हो गया भाई, 70 डिग्री सेल्सियस पर 2 मिनट के लिए उसे उबाला जाएगा, फिर हाल ही से गर्म दूध को इतना ठंडा कर दिया जाएगा, इतना ठंडा कि उसे बिल्कुल 15-20 मिनट में वो जम जाए, बिल्कुल फ्रीज हो जाए, तो इस जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं पैस्चराइजेशन। निम्नलिखित द्वारा एड्स होता है? एड्स किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 22, यूपी 2017, क्वेश्चन नंबर 22, यूपी 2017। का जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है क्या है। निम्नलिखित द्वारा एड्स होता है? जीवाणु से, विषाणु से, एचआईवी से होता है, मुझे इतना तो पता है। 22 का एचआईवी से होता है, मतलब वायरस से होता है, मतलब विषाणु से होता है, विषाणु, और जीवाणु मतलब होता है बैक्टीरिया, और प्रोटोजोआ मतलब होता है प्रोटोजोआ, ये क्या लिखा है पतगा, ये तो मेरे को पता ही नहीं है कि ये क्या है, 28 नंबर 23 देखो। सजीव तथा निर्जीव, मतलब सजीव मतलब क्या होता है लिविंग, एंड निर्जीव मतलब जो भी जिंदा नहीं है, जो नॉन लिविंग है, उनके बीच की कड़ी क्या है? अगर अपन बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बीच की कड़ी क्या है, जो दोनों को रिलेट करती है, दोनों को कोरिलेट करती है, तो ऐसी कौन सी कड़ी है भाई? जीवाणु, जीवाणु मतलब जीवाणु, जीवाणु मतलब अभी क्या बताया था मैंने, बैक्टीरिया, कवक मतलब फंजाई, विषाणु मतलब वायरस, बताओ वायरस है, तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि वायरस हाल ही से तो, कोरोना वायरस की तरह हाल ही से तो मर जाता है, हाल ही से जिंदा हो जाता है, इसको कुछ पता ही नहीं है जिंदा है कि मरा हुआ है। चलो, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये बताना जरूरी है क्या? 2018, रॉबर्ट हुक ने, देखो रॉबर्ट हुक ने जो सेल की खोज की है,
रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो की है पेनिसिलिन की खोज की है। क्लोरोलिन नामक दवा बनाई जाती है 2015 और 17 में आया है। डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज। मादा मतलब क्या बताया था, फीमेल एनाफिलीज, घरेलू मक्खी, कॉकरोच या फिर इजिप्टी। तो मुझे लगता है कॉकरोच से तो नहीं होता, क्योंकि कॉकरोच ओनली गंदगी ही फैलाता है। उसका मोटो ये नहीं है कि आप जो है बीमार हो जाओ, बस उसका मोटिव ये है उसे छुपने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए। ठीक है, तो डेंगू का जो रोग है इजिप्टी वायरस से होता है। इजिप्टी घरेलू मक्खी से नहीं होगा, मादा एनाफिलीज से नहीं होगा, कॉकरोच से नहीं होगा। क्लोरोलिन नामक दवाई, क्लोरोलिन नामक दवाई किससे बनाई जाती है? फफूंद मतलब फंगस से, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से, विषाणु मतलब वायरस से, या फिर शैवाल से। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन शैवाल। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30 इज द राइट लास्ट। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु से नहीं होता है, विषाणु मतलब वायरस से नहीं होता है? देखो, खसरा रोग, चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? पोलियो देखो वायरस से होता है, खसरा भी वायरस से होता है, एड्स एचआईवी से होता है, बट छह रोग, टीवी का जो डिसीज, टीवी की जो डिसीज है वो वायरस से नहीं होती। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन के टीके की खोज किसने की थी, मतलब स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स नामक टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने कितने में आया? सीजी 2021, मतलब छत्तीसगढ़ 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। बस दो क्वेश्चन आपके लास्ट है, इनको और पढ़ लीजिए। पेट दर्द में प्रयोग करने वाली औषधि क्या होती है? पेट दर्द में प्रयोग करने वाली जो दवाई है, ये लगा दिया मैंने यहाँ, यूपी 2027, ठीक है 2017। क्वेश्चन एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी स्पास्मोडिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यूपी 2017 का जो पेपर था उसमें आया था ये सवाल। तो एंटीबायोटिक जो है वो अपनी डिसीज वगैरह में सभी में चलती है, पेट दर्द में स्पेशल नहीं है। एंटीपायरेटिक ये दर्द वाली दवाइयां हैं, इनमें से कोई नहीं, हटा दो। तो एंटी स्पास्मोडिक, एंटी स्पास्मोडिक। ओके, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर जो है 30 देखना है, यूपी 2022 का जो सवाल है। किसी पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब किसी फूड मटेरियल में वसा मतलब फैट का जो टेस्ट करना है, किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, कास्टिक कपड़े धोने का काम आता है, कॉपर सल्फेट भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आयोडीन इज द राइट ऑप्शन।